डियर स्टूडेंट्स, आज आपको इस वीडियो लेक्चर में बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो 15 चैप्टर है, 15 किसका, आपके प्लस टू बायोलॉजी का, एनसीईआरटी का, तो ये आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपको कॉपी कलम का यूज करना पड़ेगा, सारे डाटा को लिखना पड़ेगा। बायोडायवर्सिटी सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर है, इसमें पूरा डाटा का खेल है। और ये जानिए कि नीट भी इस चैप्टर को आपकी बिल्कुल कमजोर नब्ज समझ के उसी पे हाथ रखता है, यानी कि इससे क्वेश्चन आपको हर साल आता है, हर साल कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसका जो डाटा भी है वो दूसरे चैप्टर से, ठीक है, अनमैच है। एक दो चैप्टर इससे मिलता जुलता चैप्टर है, वहां का डाटा आप अभी याद मत रखिएगा। तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन चैप्टर में, ठीक है, हमने पूरा कंटेंट लिख दिया है जो कि आपको लास्ट में, ठीक है, वीडियो क्लास में आपको दिया, वीडियो के स्टार्टिंग में दिया रहेगा कि हाँ ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। और इधर हम इस बोर्ड पे आपको सारे डाटा को लिखेंगे डिफरेंट थ्योरी के तहत, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि बायोडायवर्सिटी है क्या, ठीक है। तो कहता है कि बायोडायवर्सिटी में एक पॉइंट ये है कि मतलब कि बायोडायवर्सिटी जो है इसको कभी आपने देखा है, तो कहता है कि इसमें एनसीईआरटी जब स्टार्ट किया है पढ़ाना, और जानिए कि मैं पूरी तरह आपको एनसीईआरटी का ही पूरा सब सारा कंसेप्ट दूं, तो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है। सपोज कि कोई एलियन आ गया, ठीक है, जिसके बारे में आप सुनते हैं, एलियन वर्ड का मतलब कोई भी बाहरी गैलेक्सी से आया हुआ ऑर्गेनिज्म। एलियन का मतलब ये मत समझिएगा कोई आदमी, कोई ये कुछ नहीं, ये कोई फिक्स नहीं है कि एलियन आदमी को ही बोलते हैं। आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाओ एलियन डीएनए भी होता है, ठीक है। एलियन स्पेसीज का मतलब बाहरी कोई भी ग्रह से आया हुआ, कोई भी गैलेक्सी से आया हुआ, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इस प्लेनेट को ऊपर से विजुलाइज करेगा तो एकदम विस्मराइज हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा कि बाप रे इतना यहां पे स्पेसीज है। कभी आप अगर प्लेन से ही अगर आप, ठीक है, अगर आपका प्लेन टेक ऑफ होता है तो आप देखिएगा रात में क्या मतलब नजर आएगा कहीं भी किसी शहर के आसपास, ठीक है, खास करके कोस्टल रीजन, जब आप मुंबई से टेक ऑफ कीजिएगा या मान लीजिए कि चेन्नई से, तो देखिएगा समुद्र आया, फिर कुछ दूर बाद पहाड़ आया, फिर ये आया, फिर वो आया, फिर वहां पर जंगल, इतनी वैरायटी, इतने बड़े बड़े मकान, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये सब देख के पूरा मिसमराइज हो जाएगा। तो सोचिए कि आप थोड़ा ऊपर जाकर मिसमराइज हो जाएंगे, पूरे प्लेनेट अगर किसी एलियन को देखने को मिलेगा वो कैसे मिसमराइज होगा, ठीक है। खुद मतलब प्लेनेट के लोग भी, हम आप भी मिसमराइज होंगे ये सोच के कि इस प्लेनेट पे, ठीक है, मतलब 20,000 टाइप्स के सिर्फ एंट्स के स्पेसीज है, 20,000 टाइप्स के ऑर्किड के स्पेसीज है, ठीक है, 28 टाइप्स के, ठीक है, यहां पे डिफरेंट, ये 28 टाइप के यहां पे 28,000 के, ठीक है, यहां पे फीसेज है, ठीक है, और 3 लाख बीटल का स्पेसीज है। बीटल आप समझ ही रहे, वो भी एक ऑर्थ्रोपोडा में ही आता है। तो इतना जो स्पेसीज है ये आपको मिसमराइज कर देगा पूरी तरह, खुद हम लोग मतलब उस चीज को मतलब ये नहीं कर पाएंगे, मतलब विश्वास नहीं कर पाएंगे इतना है। तो बायोडायवर्सिटी बिल्कुल संभावनाओं से भरी हुई चीज है, और बायोडायवर्सिटी में कहा जाता है जितना आप अंदर जाइए उतना आपको डिस्कवरी का चांस मिलेगा, ठीक है। यानी कि जहां पे कम बायोडायवर्सिटी है वहां तो कंप्लीट हो चुका है डिस्कवरी, लेकिन जहां पे बहुत ज्यादा है वहां पे भी चांस बना हुआ है पूरी तरह। अब आइए, ये तो था इंट्रोडक्शन की बात जो एनसीईआरटी ने इंट्रोड्यूस किया आपको बायोडायवर्सिटी को। बायोडायवर्सिटी का मतलब संख्या नहीं है, बायोडायवर्सिटी का मतलब है क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ स्पीसीज। एक जगह पे डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, लिविंग बॉडी के डिफरेंट स्पीसीज जो रहते हैं उनकी जो विविधताएं हैं उनको बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। तो आपने प्लस वन में भी पढ़ा होगा, 1-4 चैप्टर वही है, बायोडायवर्सिटी यानी कि डायवर्सिटी ऑफ प्लांट, डायवर्सिटी ऑफ एनिमल, ठीक है। इसमें हम लोग सबको पढ़ेंगे लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट पढ़ेंगे। तो जानिए बायोडायवर्सिटी का जो पूरा स्टडी है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो यहां से अब स्टार्ट होता है। शुरुआत का तो एक जो पैराग्राफ था वो आपको ऐसे एग्जाम्पल वगैरह ये दिया हुआ था, सारा इंट्रोडक्शन। बायोडायवर्सिटी का जो ऑथेंटिक डेफिनेशन दिया है
वो एडवर्ड विल्सन ने दिया है, इसलिए एडवर्ड विल्सन को बायोडायवर्सिटी का फादर भी कहा जाता है। एडवर्ड विल्सन ने बायोडायवर्सिटी को इंट्रोड्यूस किया है। क्या इंट्रोड्यूस किया है सो देखिए, अगर आपने इवोल्यूशन पढ़ा हो तो इवोल्यूशन में आपने देखा होगा कि तीन स्टेज होते हैं। एक स्टेज है मॉलिकुलर लेवल, एक स्टेज है बायोलॉजिकल लेवल, एक स्टेज है इकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, ये तीन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यानी कि एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम्स मॉलिक्यूल कंपाउंड, ठीक है, क्रिस्टलो कन्वर्टेड सॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, फिर सेल आप बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम के बाद फुल इंडिविजुअल बोलते हैं, और होल इंडिविजुअल के बाद आप किस पे आते हैं, स्पीसीज पे, फिर आते हैं किस पे, पॉपुलेशन पे, फिर आते हैं कम्युनिटी पे, फिर आते हैं इकोसिस्टम पे, फिर आते हैं लैंडस्केप पे, फिर आते हैं बायोम पे, फिर आते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म से लेके ऑर्गेनिज्म कनेक्टिंग लिंक है बायोलॉजिकल स्पीसी बायोलॉजिकल लेवल में और इकोलॉजिकल लेवल में। तो ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज, ठीक है, ये जो आप देखते हैं तो ऑर्गेनिज्म एक कनेक्टिंग लिंक है दोनों लेवल के बीच में। तो आप ये समझिए कि किसी भी लेवल पे, चाहे वो एटॉमिक लेवल हो, चाहे वो कंपाउंड का लेवल हो, चाहे वो मिक्सचर का लेवल हो, ठीक है, किसी भी लेवल पे जो डिफरेंशिएशन है, जो स्पेशलाइजेशन है अलग अलग ढंग का, ठीक है। अब अगर मान लीजिए 100 ढंग के बॉडी में जाए में, तो वो भी बायोडायवर्सिटी है। यानी कि इन्होंने क्या बोला है, हेट्रोजेनेटिसिटी, हेट्रोजेनी, यानी कि किसी भी लेवल पे जो डिफरेंट अलग अलग टाइप्स है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी। चाहे इकोसिस्टम के लेवल पे हो, चाहे स्पीसीज के लेवल पे हो, चाहे पॉपुलेशन के लेवल पे हो, चाहे लैंडस्केप के लेवल पे हो, ठीक है, चाहे बायोम के लेवल पे हो, बायोडायवर्सिटी में हर कुछ आएगा। ठीक है, इवन बोले हैं कि ऑर्गन के लेवल पे भी आएगा, ठीक है, एटॉमिक लेवल पे भी आएगा, हर लेवल पे बायोडायवर्सिटी आएगा। ठीक है, लिविंग बॉडी जिस जिस स्टेज में जिस जिस चीज का बना है सबके स्टेज पे बायोडायवर्सिटी आएगी। क्लियर है, इसी में उन्हीं के थ्योरी को कंक्लूड करते हुए, उनके डिफिनेशन को ध्यान में रखते हुए बायोडायवर्सिटी को तीन तरीके में, तीन स्टेज में बांटा गया है। पहला है जेनेटिक डायवर्सिटी। जेनेटिक डायवर्सिटी में आप ये समझिए कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी के आधार पर, जेनेटिक डिफरेंसेस के आधार पर, उसके क्वालिटी के आधार पर कितने तरह के हो सकते हैं। ठीक है, कितने तरह के हो सकते हैं, कहते हैं इसमें आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, यानी पहला आपका है जेनेटिक डायवर्सिटी, दूसरा है स्पेसिफिक डायवर्सिटी, तीसरा है इकोलॉजिकल डायवर्सिटी। तो जेनेटिक डायवर्सिटी का मतलब आप ये समझिए कि कोई भी स्पीसीज है, ले लीजिए जैसे रॉल्फिया सर्पेंटिया, आपको एग्जांपल जो दिया है वो रॉल्फिया वोमेटिका का दिया है। यानी रॉल्फिया का एक स्पीसीज है रॉल्फिया वोमिटोरिया वोमेटिका, दोनों एक ही है। उससे निकलता क्या है, रिजर्पीन नाम का केमिकल, और रिजर्पीन करता क्या है, हाई ब्लड प्रेशर को लो करता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने वाला ये केमिकल है, एल्केलॉइड है। तो ये रॉल्फिया वोमिटोरिया वोमेटिका किसके कम से कम 18 डिफरेंट वैरायटी पाए जाते हैं, कहां पे, हिमालय की तराई क्षेत्र में। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिया आपको। फिर कहता है मैंगीफेरा इंडिका, ये मैंगीफेरा इंडिका जीनस है, स्पेसीज है, बट इसकी वैरायटी जो है बोला जाता है 1000 टाइप के। ठीक है, आपने इसके बहुत सारे वैरायटी देखे होंगे मार्केट में। ठीक है, चौसा, लगरा, दुधिया, ये सब इसकी वैरायटी है, नाम वही है, सबका नाम वही है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो आप समझिए कि चावल की वैरायटी 50,000 वैरायटी चावल की, ओराइजा सेटाइवा की वैरायटी, तो आप समझिए ये सब क्या है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी है। यानी कि जेनेटिक आधार पे ये तीन एग्जांपल आपको दिया है, तीनों एग्जांपल आपको याद रखना है। ठीक है, रॉल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है, या वोमेटिका, दोनों बोल सकते हैं। रॉल्फिया सर्पेंटिया में अलग है, उसकी अलग स्पीसीज है। ठीक है, तो आपको हिमालयन क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, ये दिमाग में रखना है। 50,000 जेनेटिक वेरिएशन है, जेनेटिक वेराइटी है किसका, राइस का। ठीक है, जो ओरिजिनल है, जो नेचुरल है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा अलग है, इसलिए आपको स्ट्रेटजी वाला चैप्टर में अलग डाटा मिलेगा। ठीक है,
फिर उसके बाद अगर आइए तो कहता है मैंगो के 1000 वैरायटी, उसके भी जेनेटिक वैरायटी, ये दूसरे बायोटेक्नोलॉजी वाले वैरायटी अलग है। वो क्या है, वो ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट होते हैं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होते हैं, तो फूड होते हैं उसमें आप बचेंगे, वो वैरायटी अलग है। तो ये तीन आपको दिया है, ठीक है। इस तीन वैरायटी के बाद ये कहा गया है कि इतनी जो वैरायटी है दुनिया में, ठीक है, क्या वो कंजर्व रह पाएगा, तो देखेंगे। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्पेसीज डाइवर्सिटी। अब स्पेसीज डाइवर्सिटी में आपको एग्जांपल दिया है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक है। मुंबई के कोस्टल रीजन को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न घाट, वहां पे एम्फीबियंस के बारे में बताया, ठीक है, यानी कि दोनों का कंपैरिजन किया है, ठीक है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में मोर स्पेसीज है, किसका, एम्फीबियंस का, फ्रॉग का, ठीक है। ऐसे में बता दूं एम्फीबियन के बारे में आगे भी आएगा पॉइंट, एम्फीबियन सबसे वल्नरेबल है, ठीक है, सबसे वल्नरेबल स्पीसीज वही है, सबसे ज्यादा खतरा उसी में है। मैं आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में बता रहा था कि वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन के मोर स्पीसीज होते हैं इन कंपैरिजन विद ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो इस ढंग से मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी को आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में इंडिया की बात की गई है, ठीक है, तो इंडिया की बात की गई है, उसको इंडिया में, इंडिया के जो डिफरेंट इकोसिस्टम है उसको आपको पहले दिमाग में रखना है, इंडिया में क्या क्या इकोसिस्टम है। कहते हैं इंडिया में डेजर्ट भी है, ठीक है, इंडिया में रेन फॉरेस्ट भी है, इंडिया में एल्पाइन वेजिटेशन भी है, ठीक है, एल्पाइन मेडोज वेजिटेशन भी है, इंडिया में मैंग्रोव भी है, ठीक है, इंडिया में ईश्वरी भी है, ठीक है, इंडिया में आपको वेटलैंड भी है, ठीक है, इंडिया में वेटलैंड भी है और इंडिया में कोरल रीफ भी है। ये जो इतना बायोडायवर्सिटी देखते हैं इकोसिस्टम के आधार, इकोसिस्टम के लेवल पे, यानी इको इतने तरह के इकोसिस्टम इंडिया में पाए जाते हैं। अब आप समझ जाइए कितना बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन होगा, आगे जाके डिस्कस करेंगे इसे, ठीक है। तो इंडिया की ये जो है ये इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी है। स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है, जो डेनमार्क है, ठीक है, जो नॉर्वे है, जो स्वीडन, उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो सब में ज्यादा मतलब वेरिएशन नहीं होता इकोसिस्टम, उसके कंपैरिजन में ये आपको दिया है, ठीक है। तो आप समझिए कि तीन आपका था, यहां से क्वेश्चन आता है, पहला क्या था आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा था स्पेसीज डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी में आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, और तीसरा जो था वो था आपको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम के आधार, ठीक है। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में आपको जितने भी इकोसिस्टम हैं, ठीक है, उसको याद रखने के लिए इंडिया में आप एक टर्म याद रखिएगा, ड्रामेटिक, WBC, ड्रामेटिक, ठीक है, DRAMETIC, ड्रामेटिक, ठीक है। डी से आपका हो जाएगा डेजर्ट, आर से हो जाएगा रेन फॉरेस्ट, ठीक है, उसके बाद ए से हो जाएगा आपको एल्पाइन मेडोज, ठीक है, एम से हो जाएगा मैंग्रोव, ई से हो जाएगा ड्रामेटिक, ई से हो जाएगा एस्चुरी, एस्चुराइन जहां पे नदी समुद्र से मिलता है वो क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद फिर WBC में W से याद रखिएगा और C से याद रखिएगा, B से नहीं। तो W से क्या याद रखिएगा, वेटलैंड, और C से कोरल रीफ। इतने तरह के आपको इकोसिस्टम इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें यह है दिमाग में आपको रखना है, क्या ये प्रेजेंट इतनी जो बड़ी बायोडायवर्सिटी है, चाहे वो जेनेटिक लेवल पे है, चाहे वो स्पेसीज के लेवल पे है, चाहे वो इकोसिस्टम के लेवल पे है, क्या ये कायम रहता है, ठीक है, क्या ये जो लॉस हो रहा है, बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए कायम रहता है, कहता है कि मुश्किल है। कहा जाता है कि जो अभी प्रेजेंट रेट है, ठीक है, वो प्री हिस्टोरिक की तुलना में बहुत फास्ट है, 100 से 1000 गुना ज्यादा फास्ट बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है। कहता है इसको अगर ध्यान में रखा जाए तो 200 साल के अंदर में पूरी की पूरी बायोडायवर्सिटी लॉस हो जाएगी, यानी कि 2 दशक में, 200 साल में, दशक का मतलब ये होता है, ठीक है।
तो फिर इसी के बारे में तो कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। पहले तो ये देखेंगे कहाँ पे कैसी डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो ये आपका पहला इंट्रोडक्शन एंड टाइम, ठीक है। अब कहता है हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। ये भी आपके लिए एक चैलेंजिंग टॉपिक है, ठीक है, ये पता करना कि कितने स्पीसीज हैं, कहाँ हैं, नहीं हैं, ठीक है। इनवर्टिब्रेट में क्या है, वर्टिब्रेट में क्या है, इस सब आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो जब पूरे के पूरे डाटा के बारे में बात की जाती है, उसमें सबसे बड़ा जो डाटा आता है वो आता है IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। उसमें भी उसका 2004 का डाटा है। तो मैं जो अभी ये वीडियो बना रहा हूं, क्लास में ही बना रहा हूं, ठीक है, तो मैं कुछ बच्चों से ये क्वेश्चन पूछूंगा भी आगे, और ये जवाब भी आपको देंगे, तो आपको और हौसला बढ़ेगा कि नहीं इनको जब याद है तो हमें भी याद होगा, ठीक है, हम भी याद कर लेंगे, ठीक है। हो सकता है बीच बीच में हम पूछें। तो आप ये जानिए कि ये जो डाटा का जो खेल है, पहले तो हम लोग IUCN का डाटा याद रखें। IUCN 2004 के अकॉर्डिंग अगर आपको पूछेगा, ठीक है, कि स्पीसीज की संख्या कितनी है प्लांट और एनिमल मिला के, तो आपको बोलना है 1.5 बिलियन, यानी कि 15 लाख। कितना बोलेंगे, 15 लाख। ये डाटा आपका वैरी करेगा, ये डाटा आपका किससे वैरी करेगा, टैक्सोनॉमी के चैप्टर से, जिसमें दिया हुआ है 17 से 18 लाख, और वहां पे अलग अलग डिमार्केशन भी दिया हुआ है। 17 से 18 लाख जो टैक्सोनॉमी में डाटा है, उस डाटा के बारे में कहा जाता है कि 12 लाख के आसपास एनिमल की स्पीसीज है, 5 लाख के आसपास प्लांट की स्पीसीज है, यानी एग्जैक्ट अगर कहें टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग 17 लाख। उसको वेरिएशन में मान लिया कि 17 से 18 लाख, यानी 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन, ये टैक्सोनॉमी का डाटा है। सिर्फ मैं उसको यहां पे ला के आपको बता रहा हूं कि टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग पूछेगा तो ये बोलना है, बट अगर ठीक है IUCN रिकॉर्ड 2004 के अकॉर्डिंग बायोडायवर्सिटी का डाटा अगर पूछे तो आपको 1.5 मिलियन बोलना है, ओके। अब देखिए, ये तो डाटा IUCN का है, 2004 का है। कुछ साइंटिस्ट इस पर बहुत दिनों से वर्क कर रहे थे, ठीक है, वो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वर्क कर रहे थे और इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वर्क कर रहे थे। उसमें एक साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट मे, बट रॉबर्ट मे के पहले बहुत सारे एंशियंट ऐसे साइंटिस्ट थे जो एक्सपेक्टेशन करते थे, अंदाज लगाते थे, ठीक है। वो कुछ डाटा के आधार पर, कुछ टैक्सोनॉमिक डाटा के आधार पर लगाते थे कि हाँ कितना हो सकता है, ठीक है। तो ये समझिए कि कुछ ने अंदाज लगाया, नहीं, 20 से 50 मिलियन तक होगा, 20 से 50 मिलियन, 20 मिलियन 50 मिलियन सोच लीजिए कितना का डिफरेंस है। मैं आपको बता दूं यहां पे, जो हिंदी मीडियम के होंगे, जो हिंदी मीडियम एनसीईआरटी पढ़े होंगे, उसके बिल्कुल नए जो एनसीईआरटी है उसमें डाटा थोड़ा सा कम दिया हुआ, घबराइएगा मत, उसमें 20 से 25 मिलियन दिया हुआ है, उसमें आप देख लीजिएगा डाटा, ठीक है। और एनसीईआरटी इंग्लिश बुक में दिया हुआ है रिसेंट में 20 से 50 मिलियन, ठीक है। तो 20 से 50 मिलियन में आप 2 और 5 को ले लीजिए, 0 को छोड़ दीजिए, तो 20 से 50 में 2 और 5 को ले लीजिए, 7 होता है। रॉबर्ट मे का कहना था 7 मिलियन तो है, ठीक है, 7 मिलियन तो है, यानी कि 7 मिलियन, ठीक है, और 7 मिलियन है, बट IUCN क्या कहता है कि भाई हमारे रिकॉर्ड में मात्र 1.5 मिलियन है। रॉबर्ट मे ने बोला 7 मिलियन के अप्रॉक्स है, रॉबर्ट मे हवा में तीर नहीं मारा, जो एंशियंट साइंटिस्ट ने किया एक्सपेक्टेशन किया कि 20 से 50 मिलियन, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने 20 से 50 कभी नहीं बोला, उन्होंने 20 से 25 भी नहीं बोला, उन्होंने बोला 7 मिलियन। तो 20 से 50 में आप 2 और 5 को जोड़ के 7 कर लीजिए, दिमाग ऐसे याद रखना है, ठीक है। और ये समझिए कि ये सब जो डाटा है ना, ये सिर्फ आप ही को दिक्कत नहीं होगा, टीचर को भी दिक्कत होता है,
हमने भी देख लिया कि कंटेंट लिखे, ये कंटेंट हमें याद दिलाएगा कि किसके बाद क्या पढ़ाना है, क्योंकि हम लोग भी कोई फरिश्ता नहीं है, टीचर नहीं, और हम लोग पॉइंट भी लिखे हैं। इसी पॉइंट को देखिए कि हमने ये पूरा कोड लिखा है, और इसमें हमने कुछ डाटा भी लिख रखा है कि क्या क्या बीच में छूटे हैं। अगर हम लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी बताते हैं, उस डाइवर्सिटी को बताने के बाद ठीक है थंबोल्ट का स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप भी बताना है, हमने भी लिख रखा है ठीक है। तो इसमें कोई ये नहीं है, मतलब इसको आप एक बार वन शॉट में देख लीजिए, फिर इसके बाद इसको एनसीईआरटी को पढ़िए, और फिर एक महीना बाद फिर पढ़िए, जब एग्जाम का टाइम आएगा एक बार और पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा ठीक है। तो बस इसको हल्के में लेना है ठीक है, इस सारी चीजों को हल्के में लेना है कि नहीं मुझे याद करना है तो करना है ठीक है। तो ये जो डाटा का जो खेल है ठीक है, उसमें सबसे पहले आपको ये दिमाग रखना है कि IUCN 2004 का जो डाटा है वो है 1.5 मिलियन ठीक है। फिर जो एंशिएंट साइंटिस्ट का है वो है 20 से 50 मिलियन, जो रॉबर्ट वे का है वो है 7 मिलियन, तो 7 मिलियन रॉबर्ट वे का डाटा है। और IUCN अवेलेबल कितना करवा पाया, रिकॉर्डेड कितना कर पाया, सिस्टमेटिकली उसने टेक्सोनॉमी में जगह कितने को दिया है, 1.5, उसका मात्र 22% होता है, किसका, 7 मिलियन का ठीक है। तो 22% के आसपास होता है मात्र, 1.5। तो उनका कहना था कि जितने स्पेसीज हैं प्लांट और एनिमल के इस दुनिया में मौजूद हैं, इस बायोटिक वर्ल्ड में मौजूद है, उसका मात्र 22% रिकॉर्ड हो पाया है, यानी कि डिस्कवरी का चांस कितना है, 78%, यानी 78% डाटा अभी डिस्कवर होना बाकी है। अब आप समझिए क्या बायोडायवर्सिटी है ठीक है। तो ये दिमाग में हमेशा रखना है। फिर आगे जाके हम अगर बात करते हैं तो इसी रॉबर्ट वे के डाटा के अनुसार, कुछ और इनके जो कलीग्स थे उनके डाटा के अनुसार, कहा जाता है कि इस दुनिया में, इस पूरे बायोटिक वर्ल्ड में लगभग 70% के आसपास एनिमल है ठीक है, 70% के आसपास एनिमल, यानी कि 10 में से 7 एनिमल है। और फिर एनिमल की अगर बात करेंगे तो 10 एनिमल में से जो 7 है वो एंट्स है, यानी कि ऑर्थ्रोपोडा है। अब आप समझिए क्या मतलब इनका ये है ठीक है। और 22% के आसपास क्या है, प्लांट्स है ठीक है, उसमें लाइकेन को हटा दीजिए और भी छोटा छोटा माइक्रोस्कोपिक प्लांट को हटा दीजिए तो बाकी है 22%, यानी कि 70% से 72%, किसी किसी बुक में आपको 72 भी मिलेगा। 70% दिमाग में रखिएगा, 22% दिमाग में रखिएगा प्लांट का परसेंटेज ठीक है, टेक्सोनॉमिकली ठीक है, और 8% में बाकी सब लाइकेन विकेन अदर माइक्रोस्कोपिक ठीक है एनिमल, कुछ ऐसे ऑथेंटिक बैक्टीरिया जो रिकॉर्डेड है टेक्सोनॉमिकली, वो सब उसी 8% में आएंगे ठीक है। अब कहता है कि जितना एनिमल है उसमें 70% तो सिर्फ इंसेक्ट है, यानी ऑर्थ्रोपोडा ग्रुप के ठीक है। अब आप समझिए कि 10 में से 7, यानी 10 एनिमल की बात करते हैं, उसमें से 7 वही है ठीक है, समझ गए, वही। अब देखिए कि कहता है कि भाई क्या इसमें इंडिया का क्या है, तो कहता है कि जितने भी रिकॉर्डेड हैं ठीक है 1.5 में, उस रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन अलग है, और पॉसिबिलिटी जो 78% डिस्कवर होना बाकी है उसके हिसाब से इंडिया का अलग है। कहता है कि लगभग 45,000 स्पीसीज इंडिया का कंट्रीब्यूशन है प्लांट स्पीसीज, और 90,000 स्पीसीज एनिमल का कंट्रीब्यूशन है इंडिया का। अगर डिस्कवरी की बात होती है तो सीधे 1,00,000 और 3,00,000, यानी 1,00,000 प्लांट स्पीसीज की डिस्कवरी की संभावना है इंडिया में, सोचिए नए प्लांट स्पीसीज की डिस्कवरी की संभावना है, और लगभग 3,00,000 एनिमल स्पीसीज के डिस्कवरी की संभावना है, कहां पे, इंडिया में, यानी कि यहां पे 1,00,000 3,00,000 तीन गुना याद रखिएगा, वहां पे 45,000 और 90,000 दो गुना याद रखिएगा, यानी कि लिखा हुआ भी आपको एनसीईआरटी कि 45,000 स्पीसीज है उसके लगभग डबल क्या है एनिमल स्पीसीज है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन है ठीक है। और इंडिया का यही कंट्रीब्यूशन नहीं है,
ठीक है, वो हम इस इंडिया का और भी कंट्रीब्यूशन देखेंगे, लेकिन आप ये जानिए कि बाकी सब जो तीन एक तरह से जो वृत्त चित्र दिए हुए, जो सर्कुलर आपका डायग्राम दिया हुआ है, उसमें आपको बताया है, सीक्वेंस बताया है, स्पेक्ट्रम बताया है, इनवर्टिब्रेट का अलग, वर्टिब्रेट का अलग और प्लांट का अलग, ठीक है। तो जो इनवर्टिब्रेट वाला जो डायग्राम है एनसीईआरटी का, ठीक है, उस इनवर्टिब्रेट वाले डायग्राम में आपको दिमाग में बस ये रखना है कि सबसे ज्यादा जो है, ठीक है, वो कौन होगा, ऑर्थ्रोपोड यानी कि इंसेक्ट, सबसे ज्यादा इंसेक्ट, और इंसेक्ट कितना, ये हर 10 में से 7 है इंसेक्ट। इंसेक्ट के बाद कौन आएगा, मोलस्का। इंसेक्ट के बाद कौन आएगा, मोलस्का। मोलस्का के बाद किसका दिया है, क्रस्टेशियंस का, और क्रस्टेशियंस के बाद दिया है अदर इनवर्टिब्रेट्स का। पहला डायग्राम आपका ये है, इसके लिए कोई ट्रिक आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ऐसे भी लार्जेस्ट जो फाइलम है वो है ऑर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर आता है क्लास इंसेक्टर, इंसेक्ट आ गया। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम क्या है, मोलस्का, तो मोलस्का डायरेक्ट वहां पे आ गया, ठीक है। अब ऑर्थ्रोपोडा का एक छोटा सा क्लास है क्रस्टेशियन, जिसमें आता है लॉबस्टर, क्रैब्स, ठीक है, प्रॉन्स, वो नंबर 3 में है क्रस्टेशियंस, जो कि एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड है, और नंबर 4 पे सबको एक साथ कर दिया अदर इनवर्टिब्रेट्स। ये पहला डायग्राम है, ये आपको याद होगी। दूसरा डायग्राम जो है वो है एफ बी पे, उसके लिए याद रखिएगा एफ बी पे राम यानी फीसेस का परसेंटेज सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद बर्ड्स की स्पेसीज, उसके बाद रेप्टाइल्स, उसके बाद एम्फीबियन, सबसे कम मैमल्स, ये वर्टिब्रेट मामले, ठीक है। वर्टिब्रेट में याद रखिएगा, एक जगह डाटा आपको और है आगे, उसमें डाटा ये है कि बर्ड्स को हटा दीजिए, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, फीसेस और मैमल्स, इस चारों को इकट्ठे मिला दीजिए तो फंजाई की स्पेसीज इनसे ज्यादा होती है, अब आप समझ जाइए, ठीक है। वो भी एक जगह आपको डाटा मिलेगा, ये डाटा भी अभी दिमाग में रखना है, क्योंकि अभी ये चर्चा चल रही है। तो उसमें क्या करना है, रेप्टाइल बर्ड्स में, रेप्टाइल बर्ड्स एम्फीबियन फीसेस मैमल्स में सिर्फ किसको हटाना है, बर्ड्स को हटाना है, तो बाकी जो बचता है यानी कि रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, फीसेस और मैमल्स, चारों को डाटा को इकट्ठा मिला दीजिए, फिर भी क्या अलग हो जाएगा, क्या ज्यादा हो जाएगा, फंजाई के स्पेसिस, अब आप सोच लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, कहता है कि तीसरा जो है यानी कि एफ बी पे राम याद रखिएगा, एफ बी पे राम यानी कि पहले, ठीक है, फीसेस का सबसे ज्यादा, फिर बर्ड्स का, फिर रेप्टाइल्स का, फिर एम्फीबियन का, फिर मैमल्स का, ये आपको सीक्वेंस, ये दूसरा आपको याद हो जाएगा वृत्त चित्र। तीसरा जो आपका है वो आपका है प्लांट का, तो प्लांट के लिए आपने डायग्राम देख ही लिया होगा, ठीक है। प्लांट के लिए जो आपको याद रखना है वो याद रखना है फार्म का फल, जैसे होता है काम का फल, तो आपको याद रखना है फार्म का फल, एफ फीसेस, ठीक है, सबसे ज्यादा फीसेस, उसके बाद एंजियोस्पर्म, फिर उसके बाद एल्गी एंड एनाइस, ठीक है, हो गया उसके बाद, ठीक है, एल्गी हो गया, ठीक है, मतलब आपका सबसे पहले क्या, फीसेस, सबसे पहले फंजाई, उसके बाद एंजियोस्पर्म, फंजाई फीसेस दोनों मतलब एक ही से शुरू हो रहा था, इसलिए आपको मिस्टेक हुआ यहां पे, तो पहले क्या, उसमें फार्म का फल में जो मतलब फुल फॉर्म है उसमें क्या दिमाग रखना है, एफ से फंजाई, ए से एंजियोस्पर्म, ए से एल्गी, एम से मोसेस, मोसेस में ब्रायोफाइट्स, ठीक है, फल में फर्म एंड एनाइस, और उसके बाद फिर कौन सा, एल लाइकेन, यानी सबसे कम परसेंटेज लाइकेन का, सबसे ज्यादा परसेंटेज फंजाई का, क्लियर है यहां तक, ये पूरा आपको याद रखना है। ये था पूरा का पूरा स्पेसीज का वेरिएशन प्लांट और एनिमल, यानी ये जो सेकेंड टॉपिक आता है हाउ मेनी स्पेसीज आर ऑन द अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया, इसका पूरा वेरिएशन मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग तीसरे पे, पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट,
स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, इसके लिए आप देखिएगा कि एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, बोर्ड पे, उस पे इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, आप इक्वेटर मान लीजिए, ठीक है, तो इक्वेटर के 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री, ठीक है, साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ये क्या मानेंगे, ट्रॉपिक। ये क्या होगा, ट्रॉपिक का इलाका होगा। उसके बाद क्या हुआ, टेम्परेट होगा, टेम्परेट, इधर भी टेम्परेट, ठीक है, इधर भी टेम्परेट, और उसके बाद पोल, ठीक है, टेम्परेट, ठीक है, और उसके बाद पोल। इसी पे आपको वेरिएशन देखना है, ठीक है। तो जो ट्रॉपिक का इलाका है, ठीक है, ये ट्रॉपिकल इलाके में, ठीक है, जो इक्वेटर के आसपास का इलाका है, वहां से अगर आप बढ़िएगा पोलर की तरफ, तो बायोडायवर्सिटी घटती चली जाएगी, चाहे आप नीचे आइए चाहे ऊपर जाइए, ठीक है, घटती चली जाएगी। नॉर्थ में साउथ में जहां जाइए घटती चली जाएगी। एग्जाम्पल दिया था कुछ का, यानी लैटिट्यूडनल डायवर्सिटी में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आएगा, उसका डाटा भी आपको अलग से याद रखना है, ठीक है। तो कहता है कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में आपको दिमाग में ये रखना है, सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया है कि बिल्कुल जो ये रेखा है उसके आसपास बिल्कुल क्लोज है कोलंबिया, वहां पे 1400 साउथ अमेरिका का पार्ट है, साउथ अमेरिका का जगह कंट्री है। तो कहते हैं वहां पे कोलंबिया में 1400 बर्ड्स की स्पेसीज है, ठीक है, उसी के आसपास इंडिया है 1200 बर्ड की स्पेसीज, ठीक है, -41 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है, आपका है न्यूयॉर्क, ठीक है, वहां पे क्या है, वहां पे 105 स्पेसीज है मात्र, और -71 डिग्री नॉर्थ में क्या है, ग्रीनलैंड, वहां पे मात्र 56 स्पीसीज है बर्ड्स। अब आप सोचिए कितना ज्यादा वेरिएशन है। उसके बाद इसी में आपको बताया गया कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि बिल्कुल अच्छा, यहां पे आपको ये भी याद रखना है कि -41 डिग्री पे ये, -71 पे ये, -23 उधर नॉर्थ साउथ, ये दोनों मिला के क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है, ये दिमाग रखना है। और हमने क्या बताया पहले भी कि जो ट्रॉपिकल का जो कंपैरिजन है, अगर आप टेम्परेट से करते हैं, टेम्परेट में संख्या घटता चला जाएगा, पोलर में और संख्या कमेगा, तो पोलर में और संख्या कमेगा तो वहां पे लगभग डिस्कवरी पूरी हो चुकी है। पोलर में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लो है, डायवर्सिटी क्या है, लो है, वहां पे जो रीडिस्कवरी के चांस है, जो पहले से मौजूद है उनको रीडिस्कवर जहां तक करना है, दुनिया के सामने लाना है टैक्सोनॉमिकली, उसके चांसेस कम है, ठीक है। टेम्परेट में उससे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा डिस्कवरी का चांस कहां पे है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दिमाग लगाइए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कहा जाता है लगभग 40,000 प्लांट के स्पीसीज, 3,000 वहां पे फीसेज के स्पीसीज, 1300 के करीब वहां पे बर्ड के स्पीसीज, 470 से करीब मैमल्स और एम्फीबियन, और 378 स्पीसीज जो है वो किसके हैं, रेप्टाइल्स के, ये स्पेसीज वहां पे मौजूद हैं, ठीक है। और ये जानिए कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो पार्ट था दुनिया में, वो था पूरे एरिया का, लैंड एरिया का ऑक्यूपाई करता था 14%। प्रेजेंट में बायोडायवर्सिटी लॉस के कारण मात्र 6% बचा है, वो भी किसके लिए, जब जानिएगा उसको डिटेल तो आपको आश्चर्य लगेगा, सोयाबीन की खेती के लिए, ठीक है, सोयाबीन की खेती के लिए, और जो एनिमल है उनके चारागाह बनाने के लिए, ग्रासलैंड डेवलप करने के लिए। सोच लीजिए दोनों अजूबा चीज है, ये दोनों मतलब हल्की चीजों के लिए इतने बड़े बायोडायवर्सिटी को लॉस किया जा रहा है, मात्र कितना बचा है, 6%। तो ये हाल है इसका। और यहां पे ये जो डाटा बताया, ये डाटा को आपको याद रखना है। कहा जाता है यहां पे 125,000, ठीक है, टाइप्स के इनवर्टिब्रेट पाए जाने की संभावना है 125,000,
क्लियर है। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में डाटा है। इस डाटा के बाद एक इसी लैटिट्यूडनल डायवर्सिटी का एक पार्ट है, ठीक है, स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे बोले, बट एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, अलेक्जेंडर थंपो, उन्होंने कुछ अलग चीजें बताई, कुछ अलग डाटा दिया, उन्होंने ग्राफ दिया। मैथमेटिकली ग्राफ को आप ज्यादा समझ सकते हैं, ठीक है, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं, इसलिए इसमें मैं ज्यादा फोकस नहीं करूं, बस ये बताऊंगा। पहले तो ये देखा गया कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इतनी जो डायवर्सिटी है उसके रीजन क्या है, ये थंपोर साहब ने बताया, उनके पहले ये डिस्कस किया जा चुका। तो कहता है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इतनी आपने जो बायोडायवर्सिटी देखी, जिसमें लगभग, ठीक है, 20,000 टाइप के आपको प्लांट थे, ठीक है, उसमें 3,000 के आपके आसपास फीसेस थे, ठीक है, 1,300 के आसपास बर्ड्स थे, 470 मेमल्स और एम्फीबियन थे, 378 आपके 378 रेप्टाइल्स थे, 1,25,000 टाइप के इन्वर्टिब्रेट थे। इस सब के पीछे रीजन क्या है, यहां पे याद रखिएगा 3S याद रखिएगा, मतलब इतनी जबरदस्त बायोडायवर्सिटी का कारण क्या है, 3S, ठीक है, S3 याद रखिए, सबसे पहले S फॉर स्पेसिएशन। स्पेसिएशन बहुत तेजी से होता है इवोल्यूशनरी, बहुत तेजी से इस एरिया में, क्योंकि वेरिएशन बहुत ज्यादा है, स्पेसिएशन होगा, ठीक है। दूसरा, सोलर रेडिएशन फॉर हायर प्रोडक्टिविटी, सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा है इस एरिया में, बहुत ज्यादा, क्योंकि इक्वेटर पे पड़ता है, सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा है, और सोलर रेडिएशन के कारण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होता है, फोटोसिंथेसिस के कारण प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। और तीसरा है इसका स्टेबिलिटी इन एनवायरमेंटल कंडीशन, नो फ्लक्चुएशन, कॉन्स्टेंसी, ठीक है, स्टेबिलिटी है, यानी कि यहां का एनवायरमेंटल फैक्टर बदलता नहीं, एक समान रहता है, मतलब आप उसको उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि सालों पर ऐसा ही रहे, ठीक है। ये 3S रखिएगा याद, ठीक है, किसके लिए, इतनी बड़ी बायोडायवर्सिटी के लिए, किस रीजन में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फिर बात आया स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप, कहा गया कि जितना एरिया आप बढ़ाते जाएंगे इस चीज की डिस्कवरी का, उतना आपको स्पेसीज की संख्या मिलती चली जाएगी। बट कहते हैं कि सब जगह लागू नहीं होता, बस ये दिमाग रखिएगा कि स्पेसीज जो स्पेसिएशन है, अगर हम एरिया बढ़ाते जाएंगे, किसका, खोज का, ठीक है, उसके रिसर्च का एरिया बढ़ाते जाएंगे, हमें स्पेसीज की संख्या बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। देखो अभी आपको बता रहे थे पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, यानी कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका है कि मतलब टिलमैन के बारे में, ठीक है, और पॉल एरलिक के बारे में, इन दोनों के बारे में ये हेडिंग के तहत इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसीज डायवर्सिटी इन द इकोसिस्टम। इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर दो तीन चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई इकोसिस्टम है, कहते हैं कि जो जितना बड़ा इकोसिस्टम होगा उसमें फर्क उतना कम पड़ेगा, ठीक है। जैसे टिलमैन साहब ने ये बोला, टिलमैन साहब ने ये कहा कि बायोडायवर्सिटी अगर किसी जगह का बहुत ज्यादा है, कोई इकोसिस्टम एरिया में बहुत बड़ा है, तो वहां पे जो चेंजेज होगा बायोमास में वो बहुत बिल्कुल कम होगा, यानी कि वहां पे बायोमास कॉन्स्टेंट रहता है, ज्यादा वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है। इसी में और भी एग्जाम्पल है कि किसी जगह पे अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा संख्या है, वहां पे 2-4-5% अगर किसी एनिमल का संख्या कम भी हो जाए तब भी बायोमास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस बात को बहुत दिनों तक माना जाता रहा, लेकिन पॉल एरलिक साहब ने एक एग्जांपल दिया, ठीक है, रिबेट पोपर हाइपोथेसिस, उसमें उन्होंने एक एग्जांपल दिया प्लेन का, पानी वाले जहाज का नहीं, उड़ने वाले जहाज का। जहाज जो होता है उसमें विंग्स मेन होता है, बाकी भी जहाज का पूरा पार्ट होता है। अब जहाज में कई बार सफर किए होंगे,
तो जहाज में आप सफर करेंगे, तो मान लीजिए कि आप अपने सीट पे बैठे हुए, वहां पे अगर कोई नट बोल्ट लगा हुआ है, हर पैसेंजर मान लेंगे कुछ ना कुछ अपना खोल के ले गए, वहां पे कुछ रखा हुआ है वो ले लिया, ये ले गया, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, कुछ अगर कोई वोल्ट अगर खोल भी लिया, कोई रिवेट अगर खोल भी लिया और अपने घर ले गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है पॉल एवरिंग साहब ये बता रहे हैं कि अगर कोई स्पेसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जिसका नहीं है और उसकी संख्या अगर ज्यादा है तो वो अगर लॉस भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना बायोमास में फर्क पड़ेगा, ना उस इकोसिस्टम के सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा। पर उन्होंने एग्जांपल देकर बताया कि अगर विंग्स का ठीक है जो वोल्ट होता है उसको अगर खोल लिया जाए, की स्टोर स्पेसीज को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो जाएगा, उसी तरह पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि की स्टोन स्पीसीज है क्या? की स्टोन स्पीसीज के बारे में 3 से 4 पॉइंट याद रखिए। की स्टोन स्पीसीज किसी भी इकोसिस्टम में सबसे डोमिनेंट स्पीसीज होता है, उसकी संख्या सबसे कम होती है, उसके एब्सेंस में वो इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी बिल्कुल गिर जाएगी, ठीक है, और गिर ही नहीं जाएगी मतलब पूरा उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, इसलिए वैसे स्पीसीज को बचा के रखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें उन्होंने इंसेक्ट का इस सब का एग्जांपल दिया है कि इंसेक्ट अगर 5% कम भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो की स्टोन स्पीसीज है, जो मेन स्पीसीज है, वो इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करता है, ठीक है। तो यही दोनों पॉइंट है उसमें, इस पॉइंट को याद रखिए। की स्टोन स्पीसीज में हमेशा क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, तो की स्टोन स्पीसीज के बारे में यही याद रखिएगा जो वहां के इकोसिस्टम के फैक्टर को डिसाइड करे, जो इकोसिस्टम में डोमिनेंट हो, जिसकी संख्या सबसे कम हो, और उसका अगर वहां से माइग्रेशन हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाए, क्रैश कर जाए, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाए, क्लियर। तो वैसे स्पीसीज का रहना बहुत जरूरी है, उसी को समझाने के लिए ठीक है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जिसमें जहाज के विंग्स के बारे में बताया कि जहाज के जनरल चीजें जिसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसके कुछ खुलने से कुछ नहीं होगा उससे जहाज क्रैश नहीं होगा, बट विंग्स को अगर एक विंग्स के भी सारे बोल्ट को खोल के अलग कर दिया जाए तो फर्क पड़ेगा, यानी कि विंग्स इज इक्वल टू की स्टोन स्पीसीज, ठीक है। रिवेट ऑफ विंग्स यानी कि जहाज का विंग्स का जो बोल्ट होता है उसको की स्टोन स्पीसीज से कंपेयर किया गया, यानी की स्टोन स्पीसीज का डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अब जो है आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और उसी से एक टॉपिक ठीक है अटैच है, कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। तो ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आप समझिए कि बहुत तेजी से लॉस हो रहा है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसका जो लैंड एरिया था दुनिया में वो पूरे लैंड एरिया का 14% था, बचा कितना, मात्र 6% लॉस होते होते, ठीक है। तो आप समझिए कि 6% लैंड एरिया बचा, उतना तो एनिमल भी लॉस हुआ होगा, उसकी डायवर्सिटी भी लॉस हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। और ठीक है एक बात और जानिए कि कहा कि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि जब तक इस चैप्टर को आप पढ़ रहे होंगे ठीक है, बुक को पढ़ रहे हो, तब तक में लगभग 1000 हेक्टेयर और लॉस हो गया हो। आप समझिए उसकी क्या मतलब डिस्ट्रक्शन का रेट है, ठीक है। और एक चीज आप सुधार लीजिएगा जो मैंने पीछे बोला है उसमें कि 50% ऑक्सीजन 20% ऑक्सीजन देता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लंग्स ऑफ द प्लेनेट, ये भी दिमाग में आप रखिए, ठीक है। अब देखिए कहा जाता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में जितनी भी बातें बोली गई है उसमें एक्सटिंक्शन के मतलब आधार पर नंबर ऑफ स्पीसीज को भी बताया गया, लगभग 2000 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके, ठीक है। कुछ स्पीसीज का एक्यूरेट डाटा है IUCN के पास, ठीक है। उस एक्यूरेट डाटा में 338 टाइप्स के वर्टिब्रेट, ठीक है, ये हो चुके हैं एक्सटिंक्ट। 359 टाइप के इनवर्टिब्रेट्स हो चुके हैं एक्सटिंक्ट, ठीक है। अब आप सोचिए इतना एक्सटिंक्शन है इनका, ठीक है, 338 किसका, 338 बोलिएगा वर्टिब्रेट, 359 बोलिएगा इनवर्टिब्रेट,
और 87 स्पेसीज है प्लांट का जो एक्सटिंक्ट हो चुका है दुनिया से। ठीक है, तो आप समझिए कि एक्सटिंक्शन का रेट क्या है। और IUCN ये कहता है, ठीक है, कि भाई पहले भी बता चुके हैं कि अगर ये रेट रहा तो 2 दशक में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, यानी 100 साल में बोला है 50% खत्म हो जाएगा, यानी 200 साल में पूरा का पूरा एक्सटिंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और कहा जा रहा है कि मात्र पिछले 20 साल में 27 स्पेसीज, ठीक है, और जाके खत्म हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है। 15,500 स्पेसीज एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, ठीक है, जो बिल्कुल इंडेंजर्ड स्पेसीज में, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में जा चुके हैं। अब आप समझिए ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन 15,500 स्पेसीज, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, जो सबसे छोटा क्लास है एम्फीबियन, ठीक है, 32%। फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म, ठीक है, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म, ये सब जो डाटा है, ये सब डाटा भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये सब एक्सटिंक्शन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, ठीक है, ये डाटा भी याद रखना है। इसी में आपको कुछ कंट्री का डाटा बताया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे रिसेंटली जो एक्सटिंक्ट बर्ड है वो है डोडो, वो मॉरिशस से एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है, क्वागा अफ्रीका से एक्सटिंक्ट हो गया, थाइलेसी ऑस्ट्रेलिया से हो गया, एस्टलर्सिका रसिया से हो गया, और कहता है जावा, बाली, कैस्पियन, ये टाइगर का सब स्पीसीज है, ये इंडोनेशियन आइलैंड से एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है, अब आप समझिए कि एक्सटिंक्शन का क्या है पूरा का पूरा पैराग्राफ। ठीक है, तो ये इस ढंग से आपको याद रखना, और सबको संख्या के अकॉर्डिंग, एक संख्या अगर हम अगर छोड़ भी दिए उसका भी आपका है, इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, चाहे परसेंटेज हो, चाहे मान लीजिए कि आपका, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट संख्या हो, ये सब आपको एक्सटिंक्शन में याद रखना है। तो जो भी एक्सटिंक्शन हुआ है, अब जिससे एस्टलर सी का बताया रसिया से, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ठीक है, डोडो मॉरिशस से, ये कई बार पूछा है, ये सब का एक्सटिंक्शन का जो क्षेत्र है, जो जोन है, वो भी आपको दिमाग में रखना है, लगी समझ। ठीक है, तो ये सब स्पेसीज, टोटल स्पेसीज, अब मान लीजिए हमने अलग अलग बता दिया आपको 338, 359, 87, ये सबको जोड़ के आप देखिए टोटल स्पेसीज कितना एक्सटिंक्ट हो गए, इसको भी दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखिए कि जितना भी ये एक्सटिंक्शन है, ये एक्सटिंक्ट हुए या होने के कगार पे ये जो थ्रेटनिंग स्पीसीज है उसके आधार पे एक कोडिंग दिया गया इकोलॉजी में, उसका नाम है वर्ट, VERT, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, रेयर, तीनों मिला के बोलते हैं थ्रेटेड। ठीक है, ये स्पीसीज को कंजर्व करने की जरूरत है, जो हम इस चैप्टर के लास्ट, ठीक है, पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे कैसे कंजर्व करेंगे। ठीक है, और कुछ मैं आपको यहां पर बता दूं कि कुछ अलग से भी आपको एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत है। ठीक है, वो NCERT से अलग है, उसको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप देख लीजिएगा इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए कौन कौन नेशनल पार्क है। अब नेशनल पार्क की संख्या यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, लास्ट मतलब पार्क में सेंचुरी की संख्या दी हुई है, लेकिन किसके लिए कौन सा नेशनल पार्क है ये आपको थोड़ा सा अलग से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो था, ये था लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी में 4 पॉइंट आते हैं, ये जान जाइए, ये ऐसा पॉइंट है, ये ऐसा हेडिंग है जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, कभी नहीं छोड़ा गया है। इसमें 4 पॉइंट है, चारों के लिए, ठीक है, आपको चारों पॉइंट याद ही हो क्योंकि इतने बार आपने पढ़ा हो। पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, दूसरा है एलियन स्पेसीज इन्वेजन, तीसरा जो आपका है वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और चौथा है को एक्सटिंक्शन। चौथे को, चारों को अगर ऑर्डर भी याद नहीं रखते तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, कहो कहो ना बायोडायवर्सिटी लॉस नहीं करें, कहो ना बायोडायवर्सिटी लॉस नहीं करें, CHO, सी से को एक्सटिंक्शन, ए से एलियन स्पेसीज इन्वेजन, एच से हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओ से ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अब देखिए
उसमें सबसे पहले आप समझिए हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन। ये आप देख रहे हैं हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन ने दिमाग में ये रखा है, ठीक है, कि जितना भी डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन के कारण, ठीक है, अब डिफॉरेस्टेशन का पर्पस कुछ भी हो, कॉलोनाइजेशन हो, कोई एग्रीकल्चरल लैंड हो, कोई ग्रासलैंड बनाना हो, इसके कारण आप समझिए कितना बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। उसका एक एग्जांपल आपको पहले बता चुके हैं, 14% से गिर के कितना 6%, ठीक है। अब आप समझिए सबसे बड़ा रीजन ये है, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ग्रासलैंड का फॉर्मेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इसके कारण। एक है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन में कहता है किसी किसी का इतना ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, यानी कि व्हेन नीड इज कन्वर्टेड इनटू ग्रीड, जब आवश्यकता लालच में बदल जाए तो वही होगा। उसमें दो एग्जांपल दिया है, एस्टिलर सी कॉप और पैसेंजर पीजन, ये दोनों का एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दोनों याद रखिएगा, ठीक है, दोनों इसी बात है ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण। तीसरा दिया है एलियन स्पेसीज इन्वेजन, एलियन स्पेसीज इन्वेजन में कहा जाता है कोई भी बाहरी स्पेसीज आए उसके कारण उसका लोकल स्पेसीज पूरा खत्म होने के कगार पे आ जाए, ठीक है, आपको पता ही है नील नदी से, ठीक है, नाइल पर्च ये जो लाया गया वो वहां के लोकल जो फिश की जो कम्युनिटी थी विक्टोरिया लेक में, साउथ अफ्रीका के विक्टोरिया लेक में, उसको क्या किया, खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज का बेस्ट एग्जांपल था, ठीक है। आप अगर बात करते हैं, ठीक है, कि भाई यहां पे इंडिया में अगर बात करते हैं, ठीक है, पार्थेनियम का आप जानते हैं, पार्थेनियम क्या है, सबसे मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल वीड है। इकॉर्निया की बात करते हैं, ठीक है, लेंटिया की बात करते हैं, ये सब क्या है, ये ग्रोइंग वीड है, ये यहां के जो मतलब फसल है उनको तो नुकसान पहुंचाता ही है, एक्वेटिक ग्रुप में भी, टेरेस्ट्रियल ग्रुप में, ठीक है, यानी कि यहां के जो मेन जो फसल है उनको नुकसान पहुंचाता है, उनके लिए ये लैंड एरिया छोड़ देता है, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कहता है को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन में है कि अगर दो चीजें इवोल्यूशनरी, ठीक है, सोशली अगर म्यूचुअलिज्म में है, सिम्बायसिस में है, ठीक है, चाहे आप ऑर्किड के साथ एफिड को रख लीजिए, ठीक है, चाहे आप प्रोनुवा मॉथ के साथ यूका को रख लीजिए, चाहे आप एल्गी के साथ फंजाई को रख लीजिए, चाहे आप पाइनस के साथ माइकोलिजा को रख लीजिए, ये सब एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे की लाइफ साइकिल इनके बिना नहीं चलती है। जिम्नोस्पर्म में पाइनस की लाइफ साइकिल बिना माइकोलिजा के नहीं चलती, ठीक है, यूका प्रोनोवा पॉथ का लाइफ साइकिल आपने पढ़ाई होगा रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन प्लांट रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, इसमें एक का एक्सटिंक्शन होगा दूसरा अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो को एक्सटिंक्शन में क्या है, जो साथ साथ को एक्सटिंक्शन वाले याद रखिएगा, को इवोल्यूशन के भी एग्जाम्पल है, तो को इवोल्यूशन वाले को एक्सटिंक्शन के कगार पे ज्यादा रखते हैं, मतलब साथ साथ वो खत्म हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड है, एक खत्म हुआ दूसरा भी डिपेंड है, दूसरा भी उसी पे डिपेंड है तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चारों पॉइंट आपको एग्जाम्पल के साथ याद रखना है, ठीक है, एनसीईआरटी का ही लगभग है, कहीं और से कोई डाटा नहीं, ठीक है। अब देखिए आपका जो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन है, अब इसमें क्या है, एक और पॉइंट है कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी, ठीक है, और कंजर्वेशन के तरीके क्या है। तो एक और चीज को हम लोग देखें कि जो बायोडायवर्सिटी का जो सर्विसेज है, जो आपको मिलता है, जो आप उससे लेते हैं, ठीक है, जिसको इकोसिस्टम सर्विसेज भी बोलते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक होता है नैरोली यूटिलिटेरियंस, एक होता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियंस, ठीक है। जो भी आपका इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट है,
चाहे आप फर्नीचर के रूप में, चाहे आप फ्रूट्स के रूप में, चाहे आप सीड्स के रूप में, जो भी आप करते हैं, ये सब है आपको नैरोली यूटिलिटेरियंस। लेकिन मान लीजिए कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आपके अगल बगल में जंगलों से भरी हुई पहाड़ें हैं, उनकी मान लीजिए कुछ ऐसे जगह बैठे हुए जहां बर्फीली चोटियां हैं, ठीक है, वहां पे जो पक्षियों का चहचहाना है जंगलों में, वहां जो मतलब सीन है उसका कोई मतलब आप कीमत नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं लगा सकते। तो ये सब जो है, ठीक है, पक्षियों का चहचहाना, ठीक है, झरने की आवाज, ये सब जो आपको मिलता है ये बायोडायवर्सिटी के कारण मिलता है, और इसकी कोई कीमत आप अदा नहीं करते हैं, ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियंस में आता है। ठीक है, मतलब जो नेचुरल सीन है, जो नेचुरल सुकून आपको मिलता है, वो सब आपको बायोडायवर्सिटी मुफ्त में दे रहा है, उसकी कोई चार्ज नहीं करता। तो जो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए आप करते हैं वो नैरोली यूटिलिटेरियंस, उसमें आपको बताया गया है कि लगभग जितना आप दवाई यूज करते हैं उसका 25% आपको इसी से मिलता है, बायोडायवर्सिटी से मिलता है। ठीक है, जितना लैंड एरिया है, जितना मतलब एरिया है, ठीक है, मतलब ड्रग के प्रोडक्शन के लिए, वो भी लगभग 25% के आसपास है, ठीक है, वो वहां पे यूज में आता है। अब समझिए कि जितने भी फर्नीचर है, ठीक है, जितना भी फर्नीचर का सामान है, चाहे आपका बिवरेजेज है, चाहे ड्रग्स तो बना ही दिए, जो भी मतलब फ्रूट्स है, खाद्यान्न है, सब उसी से आता है, ये सब आपका डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट में आता है। ठीक है, तो ये हो गया नैरो यूटिलिटेरियंस। और जो भी जिसके लिए आप पेड नहीं करते, जो कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए नहीं है, ठीक है, जिसे नेचुरल सुकून मिलती है, शांति मिलती है, ठीक है, वो सब आपका आता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियंस। अब है इसको कंजर्व करने के क्या तरीके हैं, ठीक है, कंजर्व करना क्यों जरूरी है, तो आपने देखा ब्रॉडली यूटिलिटेरियंस के लिए भी जरूरी है, ठीक है, और जो नैरोली यूटिलिटेरियंस है उसके लिए भी जरूरी है। कदम कंजर्व करने के जो तरीके हैं, उस तरीके में कुछ तरीके तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ऑन साइट होता है, जो नेचुरली होता है, जो उनके नेटिव प्लेस पे होता है, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही जल्दी में इमरजेंसी में उनको कंजर्व करने के लिए किया जाता है ऑफ द साइट। तो जो ऑफ द साइट करेंगे उसको बोलेंगे एक्सीटू कंजर्वेशन, जो ऑन द साइट करेंगे और नेटिव साइट करेंगे और ओरिजिन साइट करेंगे उनको कहेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। तो एक हो गया आपका इन सीटू कंजर्वेशन और एक हो गया आपका एक्सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में पांच चीजें आती है, ठीक है, पांच चीजें आती है इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। ये जो पांच चीजें हैं इन सीटू कंजर्वेशन को क्या क्या है, ये दिमाग में रख लीजिए कि पांच को छोड़ के जो भी कुछ पूछेगा कंजर्वेशन का तरीका सब एक्सीटू में है। तो इन सीटू में पांच क्या है, सबसे पहले आता है नेशनल पार्क, दूसरा आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल सेंचुरी, तीसरा आता है बायोस्फीयर रिजर्व, चौथा आता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, और पांचवा जो है, ठीक है, वो है सेक्रेट ग्रोव्स। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात वर्ल्ड लेवल पे करें 34 के आसपास है टोटल, ठीक है, यानी कि बाद में 6 जोड़ा गया, ठीक है, और समझिए कि 34 के आसपास बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या, एक जगह पे वो स्पेसीज है बाकी दूसरे जगह पे नहीं है, ठीक है, एक जगह पे खास करके कहता है इंडिया में भी है, 2-3 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में भी है, ठीक है। तो कहता है कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की संख्या, ठीक है, डिपेंड करता है कि एक जगह पे कितना चीज है, मतलब जैसे मान लीजिए हॉटस्पॉट आप देख रहे हैं कि एक मोबाइल के हॉटस्पॉट से कई चीज जुड़े होते हैं कनेक्शन, उसी तरह वहां पे कि एक जगह पे, ये नहीं कि फिर उसी का कॉपी दूसरे जगह आपको नहीं मिलेगा, वो बोलते हैं हॉटस्पॉट। नेशनल पार्क की संख्या इंडिया में 90 है, 448 है सेंचुरी,
और लगभग 14 है बायोस्फीयर रिजर्व। मैंने आपको इसमें दो चीजें डिमार्केशन में बतानी है कि नेशनल पार्क और नेशनल सेंचुरी में अंतर क्या है। नेशनल पार्क नेशनल सेंचुरी में अंतर यह है कि नेशनल पार्क में फ्लोरा और फौना दोनों कंजर्व होता है। नेशनल पार्क में फ्लोरा फौना दोनों कंजर्व होता है और नेशनल सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ फौना कंजर्व होता है। नेशनल पार्क में प्राइवेट ओनरशिप अलाउड नहीं होगा, या तो नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा होगा या इंटरनेशनल संस्था यूनेस्को आईयूसीएन सबके द्वारा, ठीक है, WWF सबके द्वारा विकसित होगा, मैप के तहत होगा, ठीक है, यूनेस्को के मैप के तहत होगा, ये सबके तहत होगा, या ठीक है इंडियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी होगा, बट प्राइवेट ओनरशिप कभी अलाउ नहीं होगा। उसमें प्राइवेट ओनरशिप अलाउ होगा इसमें सेंचुरी में। फिर कहता है कि नो ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड इन नेशनल पार्क, और इसमें बोलिएगा ऑल ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड एक्सेप्ट हंटिंग ऑफ एनिमल। इसमें सारे के सारे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड किसमें, सेंचुरी में। और उधर संख्या बता दीजिए, उधर 90, इधर बता दीजिएगा 448, ठीक है। अब भाई कहते हैं कि अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, उसमें तीन जोन होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में कितने जोन होते हैं, तीन जोन। एक है आपका कोर जोन। कोर जोन का मतलब होता है नो ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड, नो एनी ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड। वहां पे सिर्फ कोर जोन में कौन जाएगा, फॉरेस्ट ऑफिसर, वेटनरी डॉक्टर, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, ये सब जाएगा। फिर कहता है बफर जोन। बफर जोन में आप क्या बोलेंगे, बफर जोन में गए कहेंगे रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड बफर जोन में। और कहता है मैनिपुलेशन जोन या ट्रांजिशन जोन, इसमें ऑल ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड एक्सेप्ट हंटिंग ऑफ एनिमल। यानी उस एरिया में आप जमीन खरीद सकते हैं, खेती कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, बट आप वहां पे हंटिंग ऑफ एनिमल नहीं करेंगे। ये कौन सा जोन है, ये सबसे बाहरी जोन है, सबसे पेरिफेरल जोन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन, ठीक है, या मैनिपुलेशन जोन। जो बीच वाला है रेस्ट्रिक्टेड जोन, उसको जहां रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बफर जोन, ठीक है, यानी घूम सकते हैं, सारा कुछ देख सकते हैं, बट कोई वहां भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। और जो है कोर जोन है, वहां पे नो ह्यूमन एक्टिविटी आ रहा है। ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो दिमाग में रखना है, अब इस तीनों से एक एक क्वेश्चन और अलग से दिमाग में रखना है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है, इंडिया में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। वैसे तो आपको एनसीईआरटी नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये भी दिमाग में रखना है, येलो स्टोन नेशनल पार्क, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे बड़ा नेशनल पार्क, तो आपको इंडिया में हो ही गया जिम कॉर्बेट। अगर मान लो कि नेशनल सेंचुरी की बात करें, भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो राजस्थान में है, ठीक है, और अगर हम सबसे बड़ा, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, तो नीलगिरी की बात करें, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा। बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड रिकॉर्ड का चर्चा पहले कर चुके हैं, आप ये जानिए कि जो सेक्रेट ग्रुप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्रेट ग्रुप्स, इसमें मेघालय का खासी और जेंटेलिया हिल्स ऑफ मेघालय बहुत इंपॉर्टेंट, इतने बार क्वेश्चन में आ चुका है, अरावली राजस्थान का, ये सब बिल्कुल मतलब एक सेक्रेट ग्रुप्स में आता है। ये बिल्कुल अपने आप इसको संरक्षित किया जाता है, क्यों, इसका जो कल्चरल और जो रिलीजियस जो वैल्यू है उसके कारण ये अपने आप सुरक्षित होता है। अब आप देखिएगा बहुत जगह आप गुरुद्वारे में अगर चाहिएगा, जहां भी गुरुद्वारे में चाहिएगा, खास करके पंजाब में, वहां पे जो बेर का पेड़ होता है उसको संरक्षित करके रखते हैं, क्योंकि बेर के पेड़ के नीचे, ठीक है, गुरु नानक देव जी बहुत दिनों तक तपस्या किए थे, डिफरेंट गुरुद्वारों में, उसको अपने आप सुरक्षित करते हैं।
अगर आप मान ली वैष्णो देवी जा रहे हैं तो वैष्णो देवी के पहाड़ों पे ठीक है हर पौधे को संरक्षित किया जाता है, वहां पे पौधों की कटाई जल्दी नहीं की जाती, ठीक है। बोध गया में बोधि ट्री है, ठीक है, ये सब भी किस में आता है, सेक्रेट ग्रुप्स में आता है। बोधि ट्री का एक ब्रांच अगर टूट के गिर जाए तो वहां पे 50 रिसर्च साइंटिस्ट आते हैं, क्यों गिरा, कैसे गिरा, वहां बोधि ट्री का वैल्यू है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो जो भी इस ढंग का रिलीजियस सोशल चीजें हैं, ठीक है, वहां पे अब मध्य प्रदेश में, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बस्तर हैं, ठीक है, बस्तर के आसपास का जो इलाका है पूरा आदिवासी जनजातियों के लिए भगवान के समान है, वहां के जंगल पूरे भगवान के समान है, ठीक है। तो आप समझिए कि आप देखिएगा हरियाणा में, राजस्थान के कुछ पार्ट में, जोधपुर के कुछ इलाके में बिश्नोई समाज के जो लोग हैं, ठीक है, वो भी जंगलों को क्या मानते हैं, देवता मानते हैं। वहां पे जो काली हिरन है उनके लिए अपने जाति का उनका कुल देवता के समान होता है, उसकी जो मतलब किलिंग होती है उस पर वो पूरी की पूरी धाराएं लगाते हैं, और उसके उसके लिए आपने सुना भी होगा कि हाँ सलमान खान के ऊपर केस हुआ। तो बहुत सारे जो जनजातीय ह्यूमन रेस जो है वो प्लांट और एनिमल को अपने अपने इलाके में, ठीक है, एक रिलीजियस वैल्यू, एक कल्चरल वैल्यू की तरह उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इनको बोलते हैं सेक्रेट ग्रुप्स। सेक्रेट ग्रुप्स में आपको ये दिखता है, तो सेक्रेट ग्रुप्स, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है, नेशनल पार्क, नेशनल सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब आपका आ गया किसमें, ये सब आ गया इन सीटू कंजर्वेशन में। एक्स सीटू कंजर्वेशन में बाकी सारे वो टेक्निक आएंगे जिसके थ्रू आप वल्नरेबल प्लांट एनिमल को, इंडेंजर्ड प्लांट एनिमल को, रेयर प्लांट एनिमल को, थ्रेटेंड प्लांट एनिमल को, यानी तीनों मिला के जिनको आप अपने अपने जगह पे अपने अपने तरीके से कंजर्व करते हैं, या उनके स्पर्म का, उनके ओवम का, प्लांट के सीड का, प्लांट के फ्रूट का कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है। तो कहता है कि उसी में से एक आता है बॉटनिकल गार्डन। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, रेयर प्लांट को एक जगह इकट्ठा करते हैं, और ये आर्टिफिशियली करते हैं, ऑफ द साइट करते हैं, यानी कि ये हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा होता है, यानी हम लोग बॉटनिकल गार्डन को क्रिएट करते हैं। उसी तरह से, ठीक है, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, रेयर, थ्रेटेंड एनिमल के समूह को एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजिकल गार्डन, ठीक है। फिर कहता है बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन के बाद, अभी यही दोनों फर्स्ट चैप्टर में आपने टेक्स्ट बुक एड में पढ़ा होगा, जिसको कि यहां पे हम यूज करेंगे, ठीक है। अब ये नहीं इसमें छोड़ दीजिएगा म्यूजियम और ये सब हर्बेरियम वगैरह, नो, ठीक है। लाइव प्लांट, लाइव एनिमल के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन। उसके बाद क्राउड प्रिजर्वेशन, क्राउड प्रिजर्वेशन में सब कुछ आएगा। क्राउड प्रिजर्वेशन में जीन बैंक आएगा, पॉलन बैंक आएगा, स्पर्म बैंक आएगा, ओवम बैंक आएगा, सीड बैंक आएगा, सबको आप किस पे रखते हैं, -196 डिग्री सी पे रखते हैं, ठीक है। ये होता है लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर, इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। ऐसे क्रायो प्रिजर्वेशन जनरल टर्म है जिसमें ऑर्गेनिज्म या उसके बॉडी पार्ट को, ठीक है, लो टेम्परेचर पे कंजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। तो आप देखते होंगे कोई भी, मान लीजिए कि कोई कैटल है, खास करके गाय भैंस है, उनको जब, ठीक है, फर्टिलाइजर के लिए ले जाया जाता है कहां पे, अगर उसका नेचुरल फर्टिलाइजर नहीं होता है बुल से, तो उनको ले जाया जाता है वेटरनरी डॉक्टर के पास। वहां पे जो सीमन निकालते हैं कैथेटर में, वो सीमन -196 डिग्री पे ही फ्रोजन होता है, ठीक है। उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके तब कैथेटर के द्वारा, ठीक है, इनसेमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या है, एक प्रजाति के, ठीक है, सीमन को सुरक्षित वहां पे रखा गया है। फिर कहता है टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, बहुत कम टाइम में हजारों प्लांटलेट को जन्म देते हैं टिश्यू कल्चर के मीडियम का यूज करके। उसमें भी क्या कर रहे हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कहता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन। वो भी आएगा एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। आपने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART, उसमें जो आपने पढ़ा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, गिफ्ट, ठीक है, जिफ्ट, ये सब भी किसमें आएगा, ये सब भी आएगा कंजर्वेशन में, एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको
पूरा का पूरा कंजर्वेशन दो तरीके से होगा, इनसीटू कंजर्वेशन और एक्सीटू कंजर्वेशन। ये पूरा का पूरा बायोडायवर्सिटी चैप्टर, इसमें हो सकता है हमारे बोलने में भी दो चार पॉइंट आपको मिसिंग हो, उस पॉइंट को भी दिमाग में रखिएगा। और इसको जितना बार आप लिखेंगे कॉपी पे उतना फायदा होगा, क्योंकि ये सारे डाटा आप समझ लें लगभग 100 के आसपास डाटा है जो कि आपको पूरा का पूरा याद रखना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका था बायोडायवर्सिटी का, ठीक है, वन शॉर्ट वीडियो, ठीक है, जिसमें हमने सारे चीजों को डिस्कस करने की कोशिश की है एक सवा घंटा के अंदर में। ये आप क्विक रिविजन के लिए इसको दिमाग रखिएगा कि हाँ बहुत कम टाइम है तो हम कैसे हर पॉइंट को एक बार देख सकें। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अगले वीडियो।